न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक नजर बड़ी खबर पर। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी करेगी पहली लिस्ट। 12-13 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में मंथन होगा। 7 सितंबर को हुई थी कांग्रेस सीईसी की बैठक। एमपी की 103 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए थे। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन होगा। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक चरण में वोट डाले जाएंगे 230 विधानसभा सीटों पर, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दो चरणों में वोटिंग होगी, 7 और 17। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा आखिर किसके सिर सजेगा ताज। प्रत्याशियों के नामों पर लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इसका इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी पूरे पत्ते नहीं खोले गए हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार अभी मंथन का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद बहुत जल्द जो लिस्ट है वो कांग्रेस जारी कर सकती है, क्योंकि 7 सितंबर की बात की जा रही है कि 7 सितंबर को जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो लगभग 107 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही थी, जिनको मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में 43 छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस यही फॉर्मूला अपनाएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि पितृपक्ष के बाद बहुत जल्द कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी और कांग्रेस पहली लिस्ट अपनी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट अब तक जारी किए हैं, जिनमें पहले लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम थे, तीसरी लिस्ट में 1 उम्मीदवार का नाम और चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी बड़ी बड़ी सीट्स पर किसको उतारना है चुनावी मैदान में, इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं और कहा यह जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करेगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े चेहरों को मौका दिया है, चाहे वो आप कह लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मंत्री हैं और उन्हें दिमनी से उतारा गया है चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ आप देखिए दतिया से उतारा गया है, तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अभी इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी, इसका इंतजार लगातार है और कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, नाम कौन से हो सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट का तो इंतजार सभी लोगों को है, क्योंकि बीजेपी ने कभी करीब करीब अपनी जो ज्यादातर सीटें हैं उस पे नाम खोल दिए हैं, पत्ते खोल दिए हैं, चाहे वो उनकी कमजोर सीटें हों या मजबूत सीटें हों। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की एक सीईसी भी हो चुकी है, उसमें सीटों के बारे में भी कहा जा रहा है कि 140 सीटों पर चर्चा हुई है। अब कब वो पत्ते खोलेंगे, कब वो करेंगे, इसका कुछ अभी सही अंदाजा नहीं है। हालांकि कल जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र भंवर सिंह, उनसे बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा था कि पितृपक्ष चल रहा है तो हो सकता है कि हम जैसे ही हो पितृपक्ष समाप्त हो तब कर देंगे। लेकिन अब जब बीजेपी ने कल 157 उम्मीदवारों की सूची जारी की है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी अब दबाव है कि वो अपने पत्ते खोले, अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का करें, जिससे जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो खत्म हो सके। हालांकि कांग्रेस के जो नेतृत्व है लगातार ये दावा करता रहा है, उन्होंने जिनको टिकट मिलना है उनको पहले ही संकेत दे दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद कई तरह, क्योंकि एक एक सीट से कई दावेदार होते हैं, तो कई तरह की जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है, उसको दूर करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट आएगी तो स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में रोष भी होगा, वो सभी उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो उस जो गुस्सा है, उस रोष है उसको भी कांग्रेस नेतृत्व को संभालना होगा। तो उनके लिए अब
बहुत जरूरी है कि वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें, जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव होना है, तो इनके पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है कांग्रेस के, तो इसलिए लेकिन क्या अशरफ, छत्तीसगढ़ में जैसे 43 नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसा हम एमपी में भी देखेंगे? देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो कांग्रेस जो है उन्हीं चेहरों के हिसाब से उनको मजबूत टक्कर देने के लिए अपने चेहरे खोले, तो हो सकता है कि वो कुछ नया प्रयोग करें। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है वो यही है कि जिन लोगों पर कांग्रेस ने पहले दाव लगाया था, उन्हीं को ज्यादा उम्मीद है कि उनको दोबारा फिर चुनाव मैदान में उतारे। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसे में पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की भी हो गई है, लेकिन पितृपक्ष के बाद कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है नामों का। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर अब रोक लग गई है। आचार संहिता के चलते धारा 144 लागू की गई है, सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं, बाहर जाने के लिए कलेक्टर से लेनी पड़ेगी अनुमति। सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। सीएम आवास, मंत्री, सांसद, विधायकों के निजी स्टाफ को बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता लागू है और इसीलिए धारा 144 लागू है। आचार संहिता के चलते सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि तमाम जो सरकारी डॉक्यूमेंट्री काम है उनको पूरा करना है। बाहर जाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक इसीलिए लगा दी गई है। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, अब सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे, इसको लेकर निर्देश क्या जारी किए गए हैं, विस्तार से साझा करें। बिल्कुल, देखिए कल मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और अब जो चुनाव प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है वो भी तेज हो जाएगा। लेकिन इस सबके बीच जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं और खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कर्मचारी हैं उनके पास अब बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से मतदान कराना है और तनाव तमाम जो चुनावी गतिविधियां होती हैं उनको कंडक्ट कराने का भी एक बड़ा रोल जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के पास होता है और सारी व्यवस्थाओं को भी डील करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, क्योंकि जो पावर है वो अब कहीं ना कहीं प्रशासन के पास जो है शिफ्ट हो जाता है जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में और भोपाल में जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो अवकाश थे उनको निरस्त कर दिया गया है। अब सभी शासकीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अब हमें ड्यूटी पे अवेलेबल रहना होगा और तमाम जो पॉलिटिकल गतिविधियां भी चल रही हैं, चुनाव से संबंधित काम भी होने हैं और इसके अलावा जो व्यवस्थाओं के मैनेजमेंट का काम है उसमें अब वो लोग पूरे समय लगे हुए नजर आएंगे। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं और चुनाव जब तक नहीं हो जाते ये व्यवस्था लागू रहने वाली है और अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं पहले से ही इस पूरी बात को लेकर अवगत थे, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं और आचार संहिता लगती है डेट डिक्लेयर होने के बाद, तो इस तरीके की जो स्थिति है वो बनती है। तो मध्य प्रदेश में बेहतर रूप से चुनाव हो सके, शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो सके, जनता को किसी तरीके की कोई दिक्कतों का परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उस लिहाज से ये जो कदम है वो उठाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। और चलिए अब एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। 5 नंबर पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई है। तुलसी टावर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर के बाद एक कार पर दूसरी कार चढ़ गई है, दोनों कार के ड्राइवर घायल हो गए हैं। तेज स्पीड होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बड़ी खबर, देखिए ये दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं किस तरीके से एक के ऊपर एक कार चढ़ गई और इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तुलसी टावर के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, एक कार दूसरी कार पर चढ़ गई है बुरे तरीके से। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है अब तक सामने नहीं निकल कर आ पाया। दोनों ही कार के जो ड्राइवर हैं वो घायल हुए हैं। तेज स्पीड बता दिया जा रहा है कि तेज स्पीड की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि ओवर स्पीडिंग, काफी ज्यादा स्पीड थी,
दोनों गाड़ियों की, और इसीलिए एक के ऊपर एक कार जब चढ़ गई तो दोनों ही ड्राइवर घायल हुए हैं। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक कार कैसे चढ़ी, आसपास के लोगों का वहां पर जमावड़ा लग गया, फौरन सूचना दी गई पुलिस को। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। दोनों कार के ड्राइवर घायल हुए हैं और तेज स्पीड होने की वजह से ये हादसा हुआ है। छतरपुर में एक प्रधान आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। गोयरा थाने में बैठक कर रहा था प्रधान आरक्षक, शराब का पैग लगाते हुए नजर आ रहा है। आरोप तो ये भी है कि ब्रजेश यादव नाम का ये पुलिसकर्मी रोज रात में थाने में बैठकर इसी तरह शराब की जाम छलकाता है। वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से जाम छलकाते हुए नजर आ रहा है, थाने में बैठकर शराब पीने का आरोप है। छतरपुर का यह पूरा मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधान आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। खबर दमोह की, जहां फल बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कचौरा बाजार क्षेत्र के फल बाजार में भीषण आग लगी थी और आग लगने से कई दुकानों का नुकसान हुआ था। फायर ब्रिगेड ने आग पर आखिरकार काबू पा ही लिया है और जिस तरीके से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। इतनी ज्यादा आग लगी कि नुकसान की संभावनाएं जो हैं वो आशंका भी नहीं लगाया जा सकता कि आखिर नुकसान कितना हुआ होगा, लाखों का नुकसान। लेकिन बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो लगातार कोशिश के बाद अब जाकर आग को बुझा लिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी और आग की लपटें आप देखिए कि कितनी दूर दूर तक फैल गई आग की लपटें। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया था और फल बाजार में ये आग लगी थी। हालांकि अब इस पर काबू पा लिया गया है। ये पूरा फल का बाजार है दमोह में। यहाँ पर फल काफी सस्ते और अच्छे मिलते हैं। काफी संख्या में जो व्यापारी हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और फल बेचते हैं, लेकिन अचानक से जो आग लगी यहाँ पर, उस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब आग को काबू में कर लिया गया है। तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां वो मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से नुकसान यहाँ देखने को मिला है। काफी ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पर फल रखे थे जो कि अब राख हो चुके हैं। गरियाबंद से खबर आ रही है जहां फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिंगेश्वर वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया फैल चुका है। 5 डायरिया के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगाने की मांग उठ रही है कि स्वास्थ्य के कैंप लगाए जाए, हेल्थ कैंप लगाकर यहां पर चेकअप किया जाए कि आखिर केसेस क्यों इतने लगातार सामने आ रहे हैं। 5 डायरिया के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगाने की मांग जोरों पर उठ रही है। दुर्ग से खबर आ रही है जहां डेंगू के फिर से मरीज मिले हैं। 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं, 3 नए मरीज आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 250 हो गई है। लगातार डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के केसेस आने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां नगर निगम की तरफ से जहां फॉगिंग और तमाम चीजों के दावे किए जा रहे हैं वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। जब हर दिन केस सामने आ रहे हैं, 3 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं
कुल मरीजों की संख्या 250 हो गई है। दुर्ग से अभी ये जानकारी मिल रही है कि डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ बहुत ज्यादा बुखार और शरीर में कंपन महसूस हो रहा है लोगों के, जिसकी वजह से अस्पताल में वो भर्ती तो हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। और डेंगू ने इस कदर कहर बरपा रखा है कि 24 घंटे में हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, और आज तो 3 नए मामले सामने आ गए और कुल मरीजों की संख्या 250 हो गई है। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा सरकार की नगरी ओरछा से खबर आई है, यहां पर कुछ लोगों के द्वारा मंदिर कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर में वीडियोग्राफी करने से मना करने पर अज्ञात ने मंदिर के कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद अज्ञात मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। गया तो एक कोई रिसारिया नाम से कोई पंडित जी टाइप के थे, तो मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो वहाँ पर मंदिर के कर्मचारी वगैरह गए तो उन्होंने मना किया और वीडियो डिलीट करवाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। तो इन लोगों ने मोबाइल लेने की कोशिश की तो उल्टा कर्मचारियों के ऊपर गाली गलौज करने लगा और गलेवान पकड़ करके धक्का मुक्की। खबर रायपुर से आ रही है जहां निजी विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है और दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, मंदिर हसौ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस भी जुट गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए, रायपुर का बताया जा रहा है। यहाँ पर दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस तरीके से वो मारपीट कर रहे हैं सबसे पहले देखिए। दबंगई है ये, खुलेआम दबंगई। ये युवक दूसरे युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। एक 4-5 युवक मिलकर लात और घूंसे से इस युवक को बुरी तरीके से जख्मी कर चुके हैं। हालांकि दो युवक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दबंगई दिखाई है, तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। निजी विश्वविद्यालय का यह बताया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है। इनके बीच में आखिर बात क्या थी वो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन कहा सुनी से पहले तो शुरू हुआ ये पूरा मामला और उसके बाद मारपीट तक पहुंच गया। बलौदा बाजार में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया है। इनका आरोप है कि 4 दिन से शराब को लेकर शिकायत की गई लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं कर रही, जिसके बाद गुस्साए लोग थाने पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भोपाल के कॉस्मॉस कॉलोनी की, जहां तेंदुए के टहलने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ बाउंड्री वॉल पर 1 घंटे तक टहलता रहा। अब वीडियो सामने आने के बाद रहवासियों में दहशत का माहौल है। जो लोग वहां पर रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि तेंदुए की चहलकदमी देखने को मिली है कॉस्मॉस कॉलोनी में। तेंदुए की आहट देखिए किस तरीके से। और दूसरी तरफ बात करें अगर इस सोसाइटी की, तो अब लोगों के अंदर डर है। 1 घंटे तक वो बाउंड्री पर ही रहा लेकिन वन विभाग के लिए चुनौती है कि अब कहाँ है तेंदुआ, उसका पता लगाना और उसे पकड़ना, क्योंकि कभी भी आम लोगों के लिए ये मुसीबत साबित हो सकता है। 1 घंटे तक वो बाउंड्री वॉल पर ही टहलता रहा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और चलिए अब बुलेटिन के आखिरी में बात करते हैं विश्व कप में मुकाबले की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड की भिड़ंत बांग्लादेश के साथ है। HPCA स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। एक तरफ जोश बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड जीत के इरादे से उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ शाकिब उल हसन की सेना है। तो अब देखिए बहुत ही जबरदस्त मुकाबला ये हो सकता है HPCA स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश स्टेडियम में, यहाँ पर धर्मशाला में। खासतौर पर सुबह 10:30 बजे इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है। इससे पहले आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला देखा और आपने भारत का वो शानदार प्रदर्शन भी देखा होगा जहाँ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए। 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है, लेकिन जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि कब तो भारत ही आएगा, तो
ऐसे में शुरुआत इसकी कर दी गई इंडिया की तरफ से, लेकिन आज इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।